stone. क्या स्टेटस है? हो ही गया सब चुप. बस एनक्रिप्शन की निकाल रही हूँ. बस चार घंटे हुए हैं और ये सारे वेफर खा चुकी है. हाँ, वो तुम्हारे साथ फंसी है तो करने को और उपाय क्या. बिल्लियों की कहानी से उसे बोर तो नहीं कर रही. बिल्लियों की कहानी? एक्चुअली पाकर, इसे मेरी बैरी बिल्ली की कहानियाँ पसंद है. तुम्हें मेरी बैरी बिल्ली की कहानियाँ पसंद है ना? पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बिल्लियों से प्यार हो जाएगा. बिल्लियों को मत से नफरत है. सॉरी बेली, नया एक्सेस कोड लिख रही हूँ. मेरी नजर मुलबेली पर है. खबर पक्की थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा. यूरोप का मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर 3 साल में पहली बार अपने बिल से बाहर निकला है. गेस्ट लिस्ट में नाम और चेहरे ऐड कर रही हूँ. और कितना वक्त? ऑलमोस्ट डन. एक मिनट, ये क्या हो गया? कनेक्ट नहीं हो रहा है. सिस्टम ऑफलाइन हो गया, सिर्फ लोकल एक्सेस है. तुम्हें अंदर भेजने के लिए नया प्लान चाहिए. क्या मतलब? मुझे किसी ऐसे का डायरेक्ट एक्सेस चाहिए जो पहले से नेटवर्क में हो. हेड ऑफ सिक्योरिटी बाहर के पास खड़ा है. मैं उसका फोन हैक कर सकती हूँ, पर मुझे उसके करीब जाना होगा. कितने करीब? 10 फीट. स्टोन, तुम फील्ड एजेंट नहीं हो. उस वैन से बाहर मत निकलना. ये कर सकती है. इसमें खतरा है. मुलवेनी अंदर आ रहा है. स्टीलर मेरे सामने है और मैं उसे खोना नहीं चाहता. और कोई रास्ता नहीं है. मुलवेने को पकड़ना ही होगा. बताओ क्या करना है. जब मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट करीब रहूं, तब उसके फोन पे कॉल करना. ओके, समझ गए. हे सुनो स्टोन, तुम ये कर लोगी? थैंक्स बेली. इससे आगे उसका पीछा नहीं कर सकता. स्टोन, ध्यान से सुनो. तुम्हारे राइट में बीटर है. शैंपेन का ग्लास उठाओ. थैंक यू. गॉट इट. अब पी जाओ. हिम्मत मिलती है. वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ जा रहा है. तुम्हें खेलना आता है? मैं चेस टीम में थी. ओह माय गॉड. बस बाजी लगाओ. यू वेलकम. हार जीत से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये लग गई आपके बेट 100 की. जा सकते हो. जब मुलवेनी जैसा चूहा बिल से बाहर निकले, समझो कुछ गड़बड़ है.
guards. Pull us here. Okay. अगले गेम के लिए बेट्स लगा दीजिए। अगला गेम 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। तुम मुलवेनी के चूहे की लत के बारे में सही थे। वो तो अपनी माँ को भी दांव पर लगा दे। आपको सोल्जर्स पे एग्जैक्ट बेट लगानी होगी। वो मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहे हैं। कितने मारेंगे उस पे दांव लग रहे? 4 हत्याओं और 2 घातक छोटों की बाजी से 20 भी प्लेयर नंबर चैलेंज थी। उनकी बाजी यांग दिखाओ मुझे। थोड़ा और राइट में। माँ की आँख। वो लोग यूएस नेवी सील्स का लाइव फीड देख रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन क्रैक किया है। इतनी पहुंच किसकी हो सकती है? हैकिंग वैकिंग बहुत हुई है। मुलवेनी पर ध्यान दो। ओके डॉक्टर यांग, अपना कमाल दिखाओ। मुलवेनी को हार्ट अटैक देने का टाइम आ गया है। मैं एम्बुलेंस तैयार रखता हूँ। जितने लगते हो उतने स्मार्ट वो नहीं। मेरी पार्टी बिगाड़नी, मुझे अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए थी। The British are coming. कम्युनिकेशन हैक हुआ है। जानता हूँ। ओके ओके नया प्लान। एक्सपर्ट रूट ब्रावो, सभी रेडियो कांटेक्ट बंद करो। कॉपी दैट, नीचे मिलते हैं। चला। आगे का रास्ता बताओ जल्दी। नाइन, तुम्हारी पोजीशन भी मिल गई है और नजारा भी। देखते हैं क्या होने वाला है।
MI-16 पहाड़ के नीचे टाइम पे नहीं पहुंचेगी। हार्ट कहता है कि 93% चांस है कि पाकर मारा जाएगा और मुल्वेनी भाग जाएगा। अगर चार्टर ने कुछ नहीं किया तो मुझे एक पैराशूट चाहिए। ओके, तुमसे 50 मीटर दूर राइट में हैंड रेल की दूसरी ओर, और ध्यान रखना कोई पहचान ना ले। समझ गई। चांस कम होता जा रहा है। कामयाबी चांस नहीं, मैं दिलाऊंगी। Thank you.
कार्टर ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें MI6 में प्लांट किया है। हमारी असलियत किसी को पता ना चले। मैं जानती हूँ जैक, मुझे कितनों का स्वागत करता है। 6 लोग हैं, 4 पिस्टल्स, 1 शॉटगन और 1 स्नाइपर है, जिसका रिकॉर्ड काफी तगड़ा है। छुपा दो और MI6 के आने से पहले वहां से निकलो। क्या हो गया यंग? सुन के डर गया, उसका पता लगाने का टाइम नहीं है, इसे लेकर यहां से निकलते हैं। रुको रुको, इससे कुछ हो रहा है, लगता है इसने साइनाइड खा लिया। क्या फिल्मी तरीका ढूंढ रहा है? शिट, ओह गॉड, ये मर गया। उठाओ इसे, हमें स्टोन को लेने पहाड़ के ऊपर जाना होगा। तो बताओ जीनियस, क्या किया जाए? Be like a front row seat to the end.
हिस्से में है, उनके अलावा डिफेंस और नंबर 10 भी। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है पार्कर। मुलवेनी मर चुका है, यैंग ने गलत इंसान को हार्ट अटैक दे दिया, और स्टोन वैन से बाहर निकलने के लिए किसने कहा था? अगर ये वैन से नहीं निकलती तो ये सब रिपोर्ट में लिख दो। पेपर वर्क एक्सलेंट, उससे तो मुलवेनी के चमचों को अगल आएगी। बहुत हुआ, मुलवेनी तो गया और उसके साथ साथ हमारी सारी उम्मीदें भी। अब हमारे पास एक नया टारगेट है, किसी ने हमारे और नेशनल मिलिट्री के टॉप लेवल के इंक्रिप्शन को हैक किया है। उस लड़की का पता लगा है? लड़की का? हाँ, क्यों नहीं, वो अपना एड्रेस छोड़कर गई है ना। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। आप कहे तो मैं हमारे पास उस काम के लिए लोग हैं, दूसरे लोग। तुम लोग अपना पेपर वर्क पूरा करो। सांड्रा। चीयर्स सांड्रा। थैंक्स सांड्रा। लव यू सांड्रा। स्टोन के नाम पहली बार वैन से निकलने के लिए और ऑपरेशन बर्बाद न करने के लिए। नहीं, उसमें तो हम तीनों का हाथ था। टू बैड, स्टोन के आने से हमारे सारे मिशन कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगा तुम हमारी भी लकी हो। चलो कम से कम ब्लैक जैक में तो जीती। आज के बाद ना कभी गैम्बलिंग करूंगी और ना ही वैन से बाहर निकलूंगी। हमारे जाने के बाद तुमने क्या किया? टॉयलेट में छुप गई। क्या तुम ही ने कहा था छुप जाना? सही कहा। ठीक है, सुनाओ माता से। हमारे पास डिस्कस करने के लिए जरूरी बातें हैं, जैसे वो लड़की। हम सब ये बात जानते हैं वो किसके लिए काम करती है। बिल्कुल सही, चार्टर के लिए। अब ये कहानी सुनाएगा। चुप रहो। मैंने उनके एक और एजेंट की पहचान कर ली है। उन्होंने पैनामा कनाल में एक ऑयल टैंकर हाईजैक करने वाली टेरर सेल का खात्मा किया। हाँ, पर इतनी पहुंच किसकी हो सकती है? मैं पहले भी ये पूछ चुकी हूँ। हाँ, ओके ठीक है, मजाक उड़ाओ, पर ये सच है। एक्स इंटेलिजेंस एजेंट्स जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनते, न किसी देश के वफादार, न कोई राजनीतिक झुकाव, और वो मसले हल करते हैं जिनके लिए सरकार ने उन्हें कभी इजाजत नहीं दी। यही है चार्टर। हाईली ट्रेन्ड एजेंट्स जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए एक साथ काम करते हैं। नहीं, ये कहानी बस तुम्हारा दिमागी वहम है। चार्टर के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वो असल में है ही नहीं। जरा वो विनेगर पास करो। और वो लड़की? वो लड़की उनके साथ है और तुम ये जानते हो। ओके सॉरी, एक सेकंड के लिए बिली की बात मान रही हूँ। अगर चार्टर के लोग इतने ही अच्छे हैं तो उस लड़की ने हमारा मिशन क्यों बिगाड़ा? इसका जवाब है नहीं ना। सॉरी बिली, ऐसी कोई सीक्रेट जीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके हाथ में सबकी डोर है। बस हम, सांड्रा और पेपर वर्क है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बेड टाइम स्टोरी थी और इससे मुझे याद आया, इतनी जल्दी जेट लैग? सिर्फ एक घंटे के टाइम डिफरेंस है। Good night, guys. Good night. Good night. पीछा करे हो मेरा। फील्ड एजेंट को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि मैं स्विमिंग भी करती हूँ। हाँ, तुमने मौका दिया, मैंने चौका मारा। तो वो लड़की, कुछ पता चला? कुछ नहीं, उससे दूर रहने को कहा है। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। देखो, MI6 अपना पेपर वर्क करती रह जाएगी और वो पूरी दुनिया को हैक कर लेगी और उसका नाम तक पता नहीं चलेगा। मुझे मिशन से आगे जाके उसे पकड़ना चाहिए था।
हाँ, लेकिन कब तुम ऑलरेडी किसी के पीछे थे और वैसे भी वो हमारे मिशन का हिस्सा नहीं था। थोड़ा खोल के जीना क्यों नहीं सीख लेती, शायद मजा आएगा। तब तो तुम कह रहे थे बैंक से बाहर मत निकलना रेचल। ये बात अलग है। हमारे लिए नियम नियम और तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कभी कभी लगता है तुम मुझे खुद से बेहतर जानती हो। शायद मुझे भी तुम्हारी ये डिप्रेसिंग पॉडकास्ट सुननी चाहिए। ये बेली की प्लेलिस्ट है ना? अगर थियोरी जानी है तो मजाक उड़ाना बंद करो। लोगों पे ताला लगा दिया। वो इस सब में नहीं है, होनी ही चाहिए, वरना उसके बारे में हमें पता होता और उस केस लिस्ट में आने के लिए उसके साथ काम कर रही है। पुराना खिलाड़ी पर कौन? हम लिस्ट बनाते हैं, मैं स्नैक्स ले आऊंगा। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी ब्रंच डेट है। मैं भी आता हूँ। बाय पार्कर। के मुताबिक 96% चांस है कि किया लिस्बन जा रही है क्लब मॉरिट्स की ओपनिंग के लिए। तो हम उसकी लोकेशन MI6 को लीक करेंगे, जिससे तुम्हारा वो ऑपरेशन अगले 24 घंटों में फिर से शुरू हो जाएगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। किया ने जानबूझकर पहाड़ पे हमारा कम्युनिकेशन फीड हैक किया था। उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया और नजरें भी मिलाई। हार्ट जितनी परफेक्ट इंटेलिजेंट चीज कोई नहीं है, और हम उसकी बात सिर्फ इसलिए इग्नोर करें क्योंकि एक बार में किसी लड़की ने तुमसे नजरें मिलाई। इसीलिए तुम आज तक सिंगल हो जाए। तुम बस हार्ट की सुनो, तुम्हारा मिशन लिस्ट बन है, और वहां ना हुई तो लंच कर लेना, पर MI6 टीम के साथ नहीं। तो मुझ पे नजर रखी जा रही है? मेरी नजर मेरे एजेंट पर है। तुम हमारा काम जानती हो, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना स्विमिंग पूल के पास कोई फ्लैटिंग। हमारा काम सबसे ज्यादा जरूरी है,
जब सरकारें गिरती हैं, तब सिर्फ अकेला चार्टर खड़ा रहता है। मैं अंडर कवर हूँ, ये सब उसी का हिस्सा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। गुड, यही बेहतर रहेगा। तुम्हारा टारगेट धवन है। Hey Bailey. Hi, एक लीड मिली है उस हैकर गर्ल की। हम लिस्बन जा रहे हैं। बिल्ली संभालने के लिए किसी को बुला लो। ओह नहीं नहीं नहीं, बैरी ठीक है। मैंने उससे कहा है कोई पार्टी वार्टी मत करना। ओके, अब सो जाओ। फ्लाइट सुबह 8 बजे। समझ गई। गुड नाइट बेली। गुड नाइट। Thank you.
है 100 साल। इसे कल्चर कहते हैं। सॉरी पाकर, इसकी बात में दम तो है। यांग, you
शिट, निकलो यहाँ से, और लोग भी आएंगे।
अपने को बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम फील्ड के लिए रेडी हो। हमें रास्ते से हटकर ये वैन कहीं छोड़नी होगी। से लगाव हो गया था। ओह कम ऑन रेचल, तुम तो सिर्फ नाटक कर रही थी राइट? कौन हो तुम पाकर? आर्ट से क्यों नहीं पूछ लेती? अगर मुझे मारना चाहते तो पहली गोली मुझ पे चलाते। मुझे अब भी कुछ चीजों की जानकारी चाहिए, तुम्हारी, चार्टर की, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा मैं एक अच्छी लड़ाई चाहता हूँ।
ये कोई चार्टर मेंबर ही बता सकता है। सच में जहर एक कोलिनेस्ट्रस इनहिबिटर है, कोल्ड वॉर में इस्तेमाल होता था। मेरे केमिस्ट को पुरानी चीजों से प्यार है, जैसे साइनाइड। रिलैक्स रिचर्ड, तुम्हें जान से मारना प्लान का हिस्सा नहीं है। पहले तुम हमारे लिए एक पैकेज डिलीवर करोगी। तुम्हारे साथ काम करके मजा है रिचर्ड, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जा गई है। इसे पकड़ो, कस के पकड़ो। कितनी देर तक चली? 3 मिनट और 45 सेकंड। मैं अभी भी सिस्टम चेक कर रहा हूँ। उन्होंने क्या क्या एक्सेस किया? लॉकर सेफ है? बूम। लॉकर अब भी हार्ट को लेकर सुरक्षित उड़ रहा है 85,000 फीट ऊपर। स्पेस शटल के बिना कोई वहां नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल वो अटलांटिक के ऊपर से वेस्ट अफ्रीका जा रहा है। क्या बाकी गार्ड्स हार्ट को अभी एक्सेस कर सकते हैं? लगता तो है। ओह गॉड। क्या उन्होंने 1,00,000 बार फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की? लगता है सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। क्लब्स टीम डेटा एनालाइज कर रही है। हमें इसी वक्त सब कुछ बंद करना होगा। किसे बंद कर दे? हार्ट को। जब तक पता ना चले उन्होंने क्या किया, हम नहीं जानते वो लोग कितने काबिल हैं। पर हम उन्होंने क्या किया ये सब जानने के लिए? ये सब बंद कर, इसमें हमारा नुकसान। नहीं जानते, वो बेवकूफ नहीं है। हाँ तो हम भी नहीं। तुम्हें लगता है क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो सही है। हम देख लेंगे। हम बात करनी है अकेले में अभी। मैंने आपसे कहा था, मैं जानती थी कि आप हमें धोखा दे रही है और हार्ट को भी। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें बस लगा था, कोई सबूत नहीं, कुछ पुख्ता नहीं। मुझे लगा, मैंने सोचा शायद ये सब बकवास है या जज्बातों के लिए कोई जगह। मैं जानती थी वो वहाँ नहीं आएगी। तुमने हार्ट की बात ठुकराई, उनके पास चली गई टीम को बचाने के लिए। तुम्हारी टीम नहीं थी, वो सब मारे गए और तुम हो उनकी मौत की वजह। वो तुम्हारी असलियत जान गए। जब हमने कहा तभी वहां से निकल जाती तो पार्कर तुम्हारा पीछा करता और हम उसे पकड़ लेते, तो यांग और बेली अब भी जिंदा होते। तो मुझे हार्ट की बात माननी चाहिए थी। बिल्कुल। चार्टर बना है सिर्फ एक चीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाए। बस यही हमारी जिम्मेदारी है और ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक सिंपल और जरूरी कैलकुलेशन जो हमारे लिए एक मशीन करती है। शायद तुम भूल गई हो कि कितना बड़ा बदलाव है ये।
इसका ये मतलब नहीं कि जो हम करते हैं वो आसान है या उसमें मजा आता है। उन लोगों की आवाजें जिंदगी भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी और ऐसा कोई पल नहीं जाएगा जब तुम उनके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराओगी। पर अच्छाई का रास्ता बुराई से होकर जाता है। मैंने पार्कर के साथ एक पूरा साल बताया पर फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। नहीं, हार्ट ने नहीं पहचाना। तो अब क्या करना है हमें? मुझे कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे और उनमें से ये पहला है। मैं तुम्हें काम से हटा रही हूँ रेचल। घर जाओ, आराम करो, मुसीबत से दूर रहो और कोई बेवकूफी मत करना। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुमने हमें खतरे में डाला। पार्कर तुम्हें जानता है, धवन जानती है और बाकी किंग ऐसा सोचते हैं कि तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और आप? मैंने 20 साल से जो बनाने की कोशिश की है बर्बाद नहीं करना चाहती। तो मैं बाहर हो गई। इसी में सबकी भलाई है। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। नहीं, वो तो मुझे दिख ही रहा है। चारों किंग एक ही कमरे में। पिछली बार ऐसा कब हुआ था? 3 साल पहले? ज्यादा वक्त नहीं बीता। तो ये पार्कर कौन है और हम उसे क्यों नहीं पहचान पाए? हमेशा से इंटेलिजेंस एजेंट था। बेलफास्ट में जन्म हुआ, अकेला रहता है। उसका अपना कोई नहीं और ना ही जीने की कोई खास वजह। जिस देश के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई उसी देश ने उसे निकाल बाहर किया। ओके, हम समझ गए। इस सब से धुआं उठाऊंगा लेकिन आग लगने की असली वजह बताओगी? बस बताने ही वाली थी। मुझे इसके लिए अपने कुछ बहुत ही पुराने दोस्तों पे थोड़ा वजन डालना पड़ा। चेचनिया, दिसंबर 2015। ये क्या है? ये तुम्हारे आने से पहले हुआ। उस वक्त हार्ट भी बना नहीं था। एक चेचन वॉरलॉर्ड को खुली छूट दे रखी थी चेचन और रशियन गवर्नमेंट ने। हमेशा की तरह पश्चिमी देश उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वो लोगों की आवाज को दबाने के लिए गांव के गांव तबाह कर रहा था। पर इसका पार्कर से क्या वास्ता? वो वही था, एक अलग पहचान, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं, पर वो वही था। उस वॉरलॉर्ड को हराने के लिए MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था। बोलो भाई, क्या कोई टाइम बताया था उन्होंने? आ जाएंगे। हमने एक मैसेज टैप किया था पर वो एक जाल था। MI6 से एक रिपोर्ट आई थी जिससे हमें पता चला कि पूरी टीम को मार दिया गया था। हमें लगा बचाने को पीछे कोई रहा नहीं। वो इलाका सिविल वॉर की कगार पे खड़ा बारूद का ढेर था। हम वो हथियार वॉरलॉर्ड के हाथ लगने नहीं दे सकते थे। उससे हजारों जिंदगियां तबाह हो सकती थी। हमारे पास एक ड्रोन था, वही ऊपर तैनात, मिसाइल से लैस।
और वो ऑर्डर मैंने खुद दिया था। हमने ऐसे दिखाया कि ड्रोन स्ट्राइक बागियों की फौज ने करवाया था। MI6 ने अपनी गलती को दफन कर दिया। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना किसी एजेंट का कोई रिकॉर्ड जो उस मिशन का हिस्सा था। हमें लगा था सब मारे गए, लेकिन अब समझा हम गलत थे। इतनी बड़ी गलती तो ये हमने किया है, ये उसे पता लग गया? पता ना लगता तो मुझे ताज्जुब होता। और अब वो चार्टर को बर्बाद करना चाहता है। तुमने बेली और यांग को मार दिया? वो हमारा प्लान नहीं था। तुम बस टैक्स संभालो और प्लानिंग मुझ पे छोड़ दो, समझे? तुम्हें याद दिला दूं, हम पार्टनर्स हैं, ओके? तो अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना काम करूं, तुम भी जो करने वाले हो मुझे बताया करो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, चार्टर को बेली और यांग जैसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, और अगर हमें कामयाब होना है तो इतना मत सोचो। कैमरा उसने कैमरा फीड को हैक किया था। चलो देखते हैं उसने कोई सुराग छोड़ा है या नहीं। ऐसा कुछ किया है? 40,000 फीट पर चॉपर उड़ाया है? सवाल टेढ़ा है, ऐसा किसी ने नहीं किया। पर हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लॉकर को नीचे आने में और कितना वक्त लगेगा? 11 घंटे और 7 मिनट। और तब चार्टर समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लॉकर को 40,000 फीट तक गिरने के लिए 9 मिनट और 26 सेकंड लगेंगे, और तब हमारे पास 8 मिनट होंगे अंदर घुस के हार्ट चुराने और उनके हाथ में कंट्रोल आने से पहले निकलने को। प्लान परफेक्ट है, तुम्हें यकीन है? नहीं, यकीन तब होगा जब वो नीचे आएगा। अगर उन्हें मेरा कोड मिल गया तो वो नीचे नहीं आएगा, वो वेट कर रहे होंगे और हम मर जाएंगे। Hey, good morning. क्या टाइम हुआ? 7 बजने वाले। क्या? Oh, shit. कुछ मिला? कुछ नहीं, पर वो लोग कभी ना कभी बिल से बाहर निकलेंगे। मैं देखता हूँ अगर अभी नोमैड को अभी बुलाओ।
के लिए नोमैड मुझे उल्टा टांग देंगे। कह देना मैंने चाबियां चुरा ली, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। काम हुआ या नहीं पता कैसे चलेगा। देखो तो लॉकर पिछले दो मिनट में 15,000 फीट नीचे गिर चुका है, रुक नहीं रहा है। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम भी डाउन है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, फिर से हैक? नहीं नहीं, ये इसलिए उन्होंने पहला हैक किया था, वो अब तक हमारे सिस्टम में छुप कर बैठे हुए थे। क्या इसे रोक सकते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर किसका? कहा था ना वैन से बाहर मत निकलना। तुमने मुझे खुल के जीने को भी कहा था।
तब मेरी मर्जी चलेगी। हमने हार्ट खो दिया। अभी नहीं। शूट तो लाई होगी ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। Morning, sunshine. वो गन मुझे दे दो इससे पहले कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बताती हूँ क्या होगा। तुम अपने सीक्रेट एजेंट स्टाइल में हमें यहाँ से बाहर निकालोगी और मैं तुम्हारे 3 कदम पीछे चलूंगी इस गन के साथ। हार्ट कहाँ है? पाको के पास। पर वो मेरे बायोमेट्रिक से कनेक्टेड है तो मेरे बिना बेकार है। चलो उठो। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे साथ वही करूं जो तुमने बेली और यांग के साथ किया था। लॉजिक तो यही कहता है रेचल। हार्ट भी तुमसे यही करने को कहता ना। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। चलो खड़ी हो जाओ, आगे चलते रहना होगा।
प्लान क्या है किया? नियम खर्चे ने तुम्हें पेंट हाउस से निकाल दिया तो बदला लेना चाहती हो? अच्छा, तुम्हें लगता है तुम सब जानती हो। हार्ट ने कहा होगा कि उसने मुझे अडॉप्ट किया था, मुझे गरीबी से निकाला था, लेकिन ये बताया क्यों? खर्चे ने मेरे माँ बाप को एक मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया और उसमें वो मारे गए। उसने वो बात दबा दी और मुझे गोद लिया ये सोचकर कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है, और मैंने ये होने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मैं इतनी काबिल हो जाऊंगी कि उससे अपना बदला ले सकूंगी। और इसीलिए तुम पूरी दुनिया को बर्बाद करोगी? मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, अपने जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। पाक जाटों को खत्म करेगा, मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई और हम सबको एक्सपोज कर देंगे बिना सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम एक बच्ची हो। और तुम्हें लगता है चार्टर हमसे बेहतर है? सिर्फ तुम्हें बचा लेने से वो अच्छे लोग नहीं बन जाते। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं? कितने स्कूल से निकाली गई हो? 7, 8? बचपन से बागी, सबके लिए प्रॉब्लम, डेंजरस, अकेली, बेसहारा। बस करो। फिर चार्टर तुम्हारी जिंदगी में आया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी, और ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ बात थी या फिर तुम टूट चुकी थी? बस करो। हाँ, शायद मैं टूट चुकी थी, पर वो औरत जिसे मैं नोमैड के नाम से जानती हूँ, उन्होंने मुझे बचाया, मुझे सिखाया, मुझे दिखाया हम क्या हासिल कर सकते हैं जब कोई हमारे पीछे खड़ा हो। तो अब कहाँ है वो? Let's go. पाकर तुम्हें लेने आएगा, जब वो आए मुझे मेरे हाथ में एक बड़ी गन चाहिए। चार्टर तो नहीं हो सकता, लुटेरे हो सकते हैं। ओके, क्यों ना हम उन्हें एक अच्छी कहानी सुनाए, वो हमें पैसों के लिए जिंदा रखेंगे, हम उन्हें फंसाएंगे और फिर बैम। वैसे बैम का मतलब है कि तुम उन्हें मार दोगी? हाँ, मैं समझ गई। Thank you.
can I do with them? वो भाग गई। ये हमारी डील नहीं थी। उसे मारना भी डील नहीं थी। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। अब डील बदल गई। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। सिक्स ऑफ हार्ट्स। नोमैड ने सलाम भेजा है।
मेरे एल्गोरिथम से सब सॉर्ट कर रहे हैं। यानी किसी को भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया की सबसे जबरदस्त मास्टर की। हाँ। दिखाओ मुझे। ये देखो, खर्चे ने देश भर में बेगुनाहों पर सालों तक जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका सबूत। यही सच है जिसे अब दुनिया देखेगी। वाकई कमाल है, पर देखते हैं ये चीज और क्या कर सकती है। किंग्स को ढूंढ निकालो। किंग्स? क्यों? नैंसी मॉरिसन, यानी किंग ऑफ डायमंड्स, एक्सीआईए। हार्ट के हिसाब से वो अपने परिवार के साथ किसी सेफ हाउस में जा रही है। लिफ्ट गिरा दो। आर यू सीरियस? नो, रुको। देखकर खुश हो जाओगे क्या? 33 मिनट पहले एक अनआइडेंटिफाइड मिलिट्री प्लेन प्राइवेट एयरफील्ड पे लैंड हुआ है। देखा? जियांग शु, जिन्होंने 35 साल चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी सर्विस में बिताए हैं। किंग ऑफ क्लब्स यहीं आइसलैंड में है। शिकार खुद आ गया, इस वक्त का है। मैं प्लान भेज रही हूँ, स्टोन भी रास्ते में। इंतजार करने का वक्त नहीं है, उससे कहो हमारे पीछे है। स्पेट्स या हार्ट्स के किंग की कोई खबर? अभी तक नहीं। उस एलिवेटर में और भी लोग थे पाक, उस लॉबी में भी। शांत हो जाओ किया। तुमने कहा था हम खर्चे को एक्सपोज करेंगे और फिर चार्टर को। उनका मर्डर नहीं करना था। किंग ऑफ हार्ट्स उनकी टीम के साथ लंदन के बाहर एक बंकर में है। गुड, खत्म कर दो उन्हें। हम पहुंचने वाले हैं, अब मिशन के बाद बात होगी। तुम भी साथ जा रहे हो? पार्कर पर ड्रोन स्ट्राइक मैंने करवाया था, मेरा जाना जरूरी है। पता है, मैं भी तुम्हारी जगह होती तो वही करती। थैंक्स, मैं भी। कॉन्टेक्ट टूट गया। हार्ट ऑनलाइन है क्या? नहीं 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 नहीं, हम लॉक हो गए। ओह गॉड, उन्होंने हमारा वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दिया। कितना वक्त है? अगर ऐसा ही रहा तो एक घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। चार्टर रास्ते में आने वालों की फिक्र नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। किंग ऑफ हार्ट्स की टीम एक घंटे में मारी जाएगी। ये सब बंद करो प्लीज। किसी को इस पावर को कंट्रोल करना ही होगा, तो हम क्यों? ये हमारा प्लान नहीं था। तुम अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रही हो। यहाँ किसी बुरे आदमी ने तुम्हारे माँ बाप को मारकर तुम्हें जो दर्द दिया उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात पावर की है, जो कुछ लोगों के हाथों में बंद है, उनकी उनकी मुट्ठी में कैद है, जो उससे सबका भला कर सकते हैं, जो वाकई में एक बदलाव ला सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं। अभी इस वक्त हम करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में मेरे पास चार्टर के हर मेंबर का खात्मा करने की ताकत होगी। इन लोगों ने जिंदगी भर हमारा इस्तेमाल किया है, पर अब बाजी हमारे हाथ में है। ये तुम क्या कर रहे हो? पता है महान इंसान ताकत कैसे हासिल करते हैं?
ना वो ताकत कमाते हैं ना वो उसके हकदार होते हैं, लेकिन जिंदगी में जब सही पल आता है वो उसे छीनते हैं। स्टोन एक मिनट में पहुंच जाएगी। इन पोजीशन, हम तैयार हैं। वो यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही है। क्या हो गया? कहाँ है वो? क्या किया उसने? कब तक ठीक होगा? शायद कुछ मिनट या कुछ घंटे। मेरे लौटने तक ठीक हो जाना चाहिए। दरवाजा हिल नहीं रहा। यहाँ कोई इमरजेंसी ओवरराइड सिस्टम होना ही चाहिए। शायद हमने कुछ मिस कर दिया है। चेक, क्या हम स्टोन से बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई चांस नहीं, हम अभी ऑफलाइन हैं। क्या हम लैंडलाइन ट्राई करें? शुक्र है। स्टोन कहाँ हो तुम? क्लब्स मार चुके हैं। यूनिवर्सिटी एक जाल था। एक नई जानकारी मिली है और नया लोकेशन। क्लब्स मारे गए? क्या जानकारी है? क्या उसने हार्ट बंद कर दिया? उस पर भरोसा कर सकते हैं? पता नहीं, हम एक घंटे में मरने वाले हैं। उन्होंने हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया है। क्या? उसी लड़की ने ऑक्सीजन बंद किया है।
पार्कर ने किया होगा। मुझे किया पर यकीन है नोमैड, उसकी बात नहीं मानती तो मैं भी जिंदा नहीं होती। मुझे उस पर भरोसा है, आपको मुझ पर करना होगा। 50 मिनट मेरे लिए काफी होंगे, जल्दी मिलेंगे। हाजिर हूँ। जानता हूं तुम यहीं छुपी हो क्या? पता है तुम्हारे पास अब भी एक मौका है, तुम अब भी इसका हिस्सा बन सकती हो। तुम होनी को नहीं टाल सकती क्या? बस करो, ऑक्सीजन कम है। Thank you.
इसी वक्त। ठीक है, कहां से शुरू करें? उंगलियों से नहीं, उनकी जरूरत पड़ेगी घुटनों से। आखिरी मौका दे रहा हूं। ओके ओके करती हूँ। कम ऑन, मुझे वापस अंदर जाना होगा। हार्ट को हमें सर्वर से फिजिकली डिस्कनेक्ट करके उसे रीकनेक्ट करना होगा। कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। चलो। सिर्फ धमकी और हिंसा के पीछे छुपी होती है, और जब तुम पूरी दुनिया को डरा कर रखोगे, यहाँ तक कि अपनी टीम को भी, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो मैं जानती हूँ मेरे पास हमेशा होगा। अच्छा, और वो क्या है रेचल? कोई अपना जिस पे भरोसा कर सको।
बैट, आप ठीक तो है ना? बाकी सब ठीक है ना वहां? तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा, पता था कर लोगी। लग रही हो जेल में कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए सोचा अपनी फिटनेस पे काम कर लेती हूँ। तुम्हारे पहले के मिशन से बेटर है, मेरे वकील भी यही कहते हैं। और तुम अभी चार्टर के साथ हो? हाँ, मैं चार्टर से फिर से जुड़ गई, लेकिन मेरी दो शर्तें थी। हार्ट सिर्फ एक लाजवाब औजार है और उसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा कामयाबी का चांस देखते रहे तो सलूशन कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और कामयाबी का चांस ही ना हो तो तब वो मुझे भेजेंगे। और दूसरी शर्त, मुझे अपनी टीम पसंद थी किया। I miss them। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जो दुनिया को अच्छे के लिए बदलना चाहते हैं। क्या अपडेट है जैक? अच्छी और बुरी दोनों खबर है। अच्छी खबर कि मैंने स्क्वायर चेक किया और तुम्हारा प्लान काम कर सकता है, और बुरी खबर मेरी फेवरेट कॉफी नहीं मिली। जैक, क्या तुम ही तो कहती हो नॉर्मल बनो। क्या हमें पावर ग्रिड का एक्सेस मिल गया? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उनका पासवर्ड था पासवर्ड। तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। ये ठंडी है। तुम जानती हो तुम्हें अभी भी जेल वापस भेज सकते हैं। हे, वैन में ही रहना, ओके? हम वैन में ही रहेंगे, बॉस। हार्ट बिल्कुल सेट है। और डाइवर्जन? रेडी? As we go, baby, go, go, go. Go with that.
You're right.